एक दिवसीय दौरे पर निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, दिवंगत साहित्यकार व वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर सिंह की आत्मा को श्रद्धांजलि दी। खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज दिनांक 26/6/2020 को एक दिवसीय दौरे पर निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, दिवंगत साहित्यकार व वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर सिंह की आत्मा को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों के दुख की इस घड़ी में साथ खड़े रहने की बात कही और परिजनों से बातचीत की, जिसके बाद मीडिया से रूबरू हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की जमकर प्रशंसा की। तो वहीं चीन के द्वारा भारत के जवानों की शहादत के मुद्दे पर दो टूक कहा कि हम सब भारतीयों को चीनी सभी प्रोडक्ट का मिलकर बहिष्कार करना चाहिए ताकि चीन को उसकी असली औकात में लाया जा सके। बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी सबसे लोगों से कि बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो अपने घरों से निकलने के लिए, तभी आप निकलिए अपने घर के बाहर। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपसे ये भी बताना चाहती हूँ कि आप सोशल मीडिया के थ्रू और सोशल नेटवर्किंग के थ्रू मेरा मूवमेंट देख रहे होंगे। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब ये अनलॉक खुला है, तब जब मुझे पता चला कि आपके पिताजी का देहांत हो गया राजीव सिंह जी के, तो मैं सोचा कि मैं आज आती हूँ। तो मेरे जैसा व्यक्ति अगर जो है कर सकता है, तो मुझे लगता है कि आम लोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल जो घर का आटा चावल दाल सब्जी लेने के लिए ही निकले और जवान लोगों को भेजे, बुज़ुर्ग लोग घर में रहें और जो बच्चे हैं घर के उनको भेजा जाए। मैम क्या है योगी सर? मैं हमेशा से चाहती हूँ कि परिवार एक हो जाए। एज अ बहू मेरा हमेशा से ये मंतव्य रहा है कि परिवार में एका रहेगा तो परिवार आगे बढ़ेगा, खुशहाल होगा। और एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग ने, हम सब ने कहानियों में भी पढ़ा होगा कि मुट्ठी जब तक बंद रहती है तभी वो ताकतवर रहती है। तो मुझे लगता है कि इस कड़ी में अगर दोनों लोग एक हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है, मगर इस बारे में ज़्यादा विवरण अगर आप जानना चाहते हो तो वही लोग बता पाएंगे जी। मैम चर्चा है कि जो है आप बीजेपी में जा रही हैं, ऐसी चर्चाएं चलती रहती हैं भैया, जब होगा तब देखेंगे। होई सोई वही जो राम रची राखा। समझती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम इन्हें जो लौट चुके हैं मजदूर, उनको किस तरह से रीस्टैब्लिशमेंट करें। सरकार का प्रथम कार्य ये होना चाहिए और मैंने पहले भी कहा है कि इनके ऊपर ही हमारे देश की इकोनॉमी टिकी हुई है, तो हमें ये बात का ध्यान देना बहुत ही परम आवश्यक है कि हम मजदूर कैसे रीस्टैब्लिश करें। क्योंकि अगर जो है सप्लाई बनेगी ही नहीं, फॉर्मुलेशन नहीं होगा प्रोडक्ट का, कोई भी प्रोडक्ट हो, वो मोबाइल की तार हो, चाहे माइक का फोम हो, कुछ भी हो, तो मुझे लगता है कि उसके लिए हमारा मजदूर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब तक ये सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर अपनी जगह पे फैक्ट्रियों में वापस नहीं पहुंचेगा, सप्लाई और डिमांड की चेन इफेक्ट होगी, जिससे कि इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा जी। चीन के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर सबसे पहले सहभागिता कंज्यूमर की होनी चाहिए। और अगर हमें चीन को सबक सिखाना है तो हर एक भारतवासी को ये प्रण लेना पड़ेगा कि हम चीन के बने हुए प्रोडक्ट्स ना इस्तेमाल करें। उसके बाद सरकार का काम आता है, जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो रखी है LOC पर, मैं सारे देश के जितने जवान हैं जो शहीद हो चुके हैं, मैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। और मैं ये भी बोलना चाहती हूं सरकार को कि खुले मन से चीन से इस बारे में बात करी जाए कि इस प्रकार की घटनाक्रम क्यों हो रहा है जी। आज यहाँ पर जो है राजीव सिंह जी के पिताजी का देहांत हो गया था और उसकी 13वीं में मैं नहीं आ पाई, तो मैंने सोचा कि इतने महापुरुष, इतने अच्छे पत्रकार जिन्होंने इतनी अच्छी किताबें लिखी सुल्तानपुर के इतिहास के बारे में, उन्होंने बहुत अच्छा विवरण किया है और जिसके माध्यम से मुझे अभी पता चला कि अभी आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ का असली नाम क्या था, वो किताब भी मुझे भेंट करी गई है। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसे व्यक्ति के अंतिम उसमें मुझे उन्हें नमन करने आना चाहिए